हेलो स्टूडेंट्स, साईं बीरबल दास की ब्लेसिंग्स आप लोगों के हमेशा साथ हो और हमारी जितेंद्र नैनानी की ब्लेसिंग्स आप लोगों के साथ हैं कि अपकमिंग बोर्ड एग्ज़ाम्स हम लोग आप लोगों के नियर हैं, 10th CBSE और ICSE के। पूरा प्रयास कर रहा हूँ स्टूडेंट्स कि आप लोगों को ऐसे ऐसे क्वेश्चंस में करवा दूँ जो एकदम श्योर शॉट बोर्ड्स में आते ही आते हैं। उसी पॉइंट ऑफ व्यू से पहला तो आप लोगों ने पार्ट वन मेरा देखा ही होगा, उसमें मैंने 3 क्वेश्चंस आप लोगों को कराए थे जो बोर्ड में आते ही आते हैं। उस सिमिलर पैटर्न के 99% चांसेस है कि आते हैं, जिसमें हमने एक एपी का क्वेश्चन कराया था, एक ट्रिग्नोमेट्री का करवाया था, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कराया था। उसी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए स्टूडेंट्स आज मैं जो है पार्ट टू आपके सामने 2 क्वेश्चंस लेके आया हूँ, काफ़ी इम्पॉर्टेंट, वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ये भी बोर्ड में आएगा ही आएगा, श्योर शॉट है। इन 2 क्वेश्चंस को जरूर देखिएगा। तो लेट्स स्टार्ट। वो 2 चैप्टर कौन से हैं मैं आपको पहले ही बता दे रहा हूँ। एक नंबर सिस्टम है स्टूडेंट्स आपके कोर्स में, उसका एक क्वेश्चन मैंने आपके सामने लिखा है, और इसके बाद जो मैं कराऊंगा एक हाइट एंड डिस्टेंस, जिसको कि एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री कहते हैं, उसका एक क्वेश्चन कराऊंगा। सो लेट्स सी, बहुत ज़्यादा समय आप लोगों का न लेते हुए देखिए, एक क्वेश्चन स्टूडेंट्स आपके सामने लिखा है कि गिवन दैट √5 इज एन इरेशनल नंबर। पहले से दिया हुआ है कि √5 आप लोगों का एक इरेशनल नंबर है, इरेशनल, विच कैन नॉट बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ a/b, और आपको प्रूफ करना है कि √5 - 3 इज इरेशनल। ये प्रूफ करके दिखाना है, मतलब हमको ये क्वेश्चन में गिवन है, पहले से गिवन है, यानी दिया है, क्या दिया हुआ है कि √5 इज एन इरेशनल, ये पहले से हमको पता है। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया है, ये पहले से पता है हमको। टू प्रूफ क्या करना है, हमको प्रूफ करना है कि √5 - 3 इज एन इरेशनल, इसको हमको इरेशनल प्रूफ करके दिखाना है। तो जैसा कि आप लोगों को मालूम होगा, इस चैप्टर को आप लोगों ने पढ़ा होगा कि इसको इरेशनल प्रूफ करने के लिए पहले हम लोगों को इसको कॉन्ट्रेडिक्शन के वे में पहले इसको रेशनल मान के चलना पड़ता है। तो चलिए, और हम इसको रेशनल मान के चलेंगे, और अगर हमने रेशनल मान लिया तो इट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ a/b, वेयर a एंड b आर इंटीजर्स एंड को प्राइम नंबर्स। ये आपको क्लियर होगा, पहले हम लोग इसको रेशनल मान के चलेंगे, और जैसे ही हमारी जो एजम्पशन होगी वो अगर रॉन्ग हो गई तो कॉन्ट्रेडिक्शन से ये प्रूफ हो जाएगा। तो हमने इसको क्या किया, लेट √5 - 3 इज ए रेशनल नंबर, वेरी गुड, हमने इसको रेशनल मान लिया, देयरफोर √5 - 3 कैन बी रिटर्न इन द फॉर्म ऑफ a/b, वेयर b इज नॉट इक्वल टू 0, a एंड b आर इंटीजर्स एंड को प्राइम नंबर। ये आपको पता होगा पहले से, फिर भी मैं बता दे रहा हूँ, हमने इसको पहले रेशनल नंबर मान लिया, √5 - 3 को रेशनल नंबर मान लिया, एज्यूम कर लिया, लेट कर लीजिए या एज्यूम कर लीजिए, एज्यूम कर लिया, वी एज्यूम, हम उसको एज्यूम कर लेते हैं कि हमारा जो √5 - 3 है एक रेशनल नंबर है। तो अगर ये रेशनल नंबर है तो इट कैन बी रिटन द फॉर्म ऑफ a/b, एकदम रेशनल नंबर को a/b के फॉर्म में लिख ही सकते हैं, वेयर b मस्ट नॉट बी इक्वल टू 0, b 0 नहीं होना चाहिए, अदरवाइज अनडिफाइन हो जाएगा। यहाँ पे a और b क्या है, a एंड b आर इंटीजर्स एंड को प्राइम नंबर्स, ये इंटीजर्स हैं, इंटीजर्स, पॉजिटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर, कुछ भी हो सकता है, और को प्राइम नंबर्स है, ये आपको पता होगा। तो देखिए एकदम सिंपल प्रूफ है, हमने इसको रेशनल माना, a/b के फॉर्म में लिखा, a और b इंटीजर्स हैं, तो यहाँ से बस छोटी सी आपको कैलकुलेशन करनी है, √5 can be written a/b + 3 अगेन √5 can be written, अगर हम यहाँ से एलसीएम लेते हैं तो इसको हम लोग a+3b / b लिखेंगे। अब यहीं से हम आगे देखिए प्रोसीड कर रहे हैं, आपको दिखा रहे हैं एरो लगाते हुए कि इसके बाद हम लोग कैसे आगे चलेंगे। देखिए √5 can be written a+3b / 2b हो जाएगा, देखिए ये 2 आपका ट्रांसपोज होकर नीचे आ जाएगा फैक्टर में। देखिए अब आपका देखिए बड़ा क्लियर हो गया, a हमने आपको कहा था इंटीजर है, बिल्कुल इंटीजर है, प्लस 3 × b भी इंटीजर है, बिल्कुल इंटीजर है, अपॉन आपका जो है 2 × 2 ऑलरेडी इंटीजर है, b भी इंटीजर है, तो इससे क्या होगा भैया, इससे देखिए इंटीजर 3 × इंटीजर करेंगे तो भी इंटीजर आएगा, इंटीजर है,
अच्छा, थ्री इंटू इंटीजर, इंटीजर आएगा, इंटीजर में इंटीजर जोड़ेंगे इंटीजर आएगा, टू इंटू इंटीजर करेंगे इंटीजर आएगा। इसका मतलब कि ये इंटीजर ऊपर आएगा, नीचे भी इंटीजर आएगा। अब बताइए, अगर आप खुद सोचिए कि अगर ऊपर भी इंटीजर है नीचे भी इंटीजर है तो ये तो एक रेशनल नंबर हो गया। इंटीजर अपॉन इंटीजर क्या होता है? रेशनल नंबर। इंटीजर अपॉन इंटीजर रेशनल नंबर, इसका मतलब इम्प्लाइज कर रहा है कि रूट फाइव हमारा क्या है? रेशनल नंबर। अरे ये क्या हो गया, ये तो उल्टा उलट पुलट हो गया, एकदम उलट पुलट हो गया। रूट फाइव तो रेशनल नंबर आ गया, लेकिन यहाँ पे क्या कह रहा है? रूट फाइव तो इरेशनल है। इसका मतलब ये हो गया, देखिए हमारी, हमने उसको रूट फाइव जो रेशनल नंबर आ गया, जबकि पहले से आपको हमको नोन है कि रूट फाइव इरेशनल है। इसका मतलब जो हमारी एजम्पशन थी वो रॉन्ग हो गई, हम इसको रेशनल लेके चले थे। इसका मतलब यहाँ पर हमारी एजम्पशन रॉन्ग हो रही है। हमारी एजम्पशन रॉन्ग होने का मतलब कि ये कॉन्ट्रेडिक्शन हो रहा है, मीन्स आवर एजम्पशन इज रॉन्ग। जब हमारी एजम्पशन रॉन्ग हो गई तो हैंस कॉन्ट्रेडिक्शन ऑकर्स, यानी कॉन्ट्रेडिक्शन हो गया, एकदम कॉन्ट्रेडिक्शन हो गया। तो इसका मतलब क्या हो गया, जब ये एजम्पशन रॉन्ग हो गई और कॉन्ट्रेडिक्शन हो गया तो देयर फोर क्लियर हो गया कि टू रूट फाइव माइनस थ्री इज एन इरेशनल नंबर। प्रूफ हो गया, वेरी इजी, एकदम सिंपल है, आराम से अब आप लोग समझ गए होंगे। क्वेश्चन टू की तरफ हम आ रहे हैं। क्वेश्चन टू, जैसा कि हमने आपको बताया कि वो आपका एक हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, इंटरेस्टिंग है, बोर्ड में बड़ा तेज आता है और कई साल से मैं देख रहा हूँ कि वो बोर्ड्स में आ रहा है। इस साल भी चांसेस हैं कि उसके जरूर आएगा वो क्वेश्चन। चलिए हम उस हाइट एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर टू। बस दो ही क्वेश्चन आज मैं कराऊंगा, हाइट्स एंड डिस्टेंसेस। चलिए तो हाइट्स एंड डिस्टेंसेस का वो क्वेश्चन देख लेते हैं, बड़ा अच्छा और बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, आपको मैं दिखा रहा हूँ, लिख रहा हूँ, और बस केवल ज़्यादा समय न लेते हुए बहुत जल्दी ही सॉल्व हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन क्या है, द एंगल ऑफ एलिवेशन, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ एन एरोप्लेन, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ एन एरोप्लेन फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड इज 60 डिग्री। कोई एरोप्लेन जा रहा है, उसका पॉइंट किसी ग्राउंड के पॉइंट से एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री है। आफ्टर अ फ्लाइट ऑफ 30 सेकेंड्स, आफ्टर अ फ्लाइट ऑफ 30 सेकेंड्स, द एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन क्या हो रहा है, becomes 30 degree, 30 degree हो जा रहा है, ठीक है। If aeroplane is flying at a constant height of 3000 root 3 meter की ऊंचाई पर उड़ रहा है, फाइंड स्पीड ऑफ एरोप्लेन। बस सिंपल यही क्वेश्चन है, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ये बोर्ड पे हर साल आता है, काफ़ी ईयर्स मैंने देखा है। देखिए क्या कह रहा है, एकदम सिंपल है। देखिए इसका फिगर जरूर ड्रॉ करेंगे, हाइट एंड डिस्टेंस में विदाउट फिगर तो आप चल नहीं सकते। देखिए मैं आपके सामने एक एरोप्लेन बना रहा हूँ, बहुत सुंदर सा। चलिए ये आपका एरोप्लेन है, हवाई जहाज। चलिए इस एरोप्लेन को ग्राउंड के किसी एक पॉइंट से, ये ग्राउंड चल रहा है, इस एरोप्लेन को जो है ग्राउंड के किसी पॉइंट से, और थोड़ा नीचे ले लेता हूँ और क्लियर हो जाएगा, ये पॉइंट पी मैंने मान लिया ग्राउंड पे है, उस पॉइंट से देखा गया तो इसका एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री पाया गया, एकदम सही है। आपको क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते मैंने समझाया भी है, क्वेश्चन में कह रहा है कि एंगल ऑफ एलिवेशन एरोप्लेन का ग्राउंड के किसी पॉइंट से 60 डिग्री है। तो एरोप्लेन ये आपके सामने दिखाई दे रहा है, एरोप्लेन देख लीजिए, एरोप्लेन दिखाई दे रहा है, एरोप्लेन मतलब हवाई जहाज, वेरी गुड। चलिए हवाई जहाज, इस हवाई जहाज का, एरोप्लेन का ग्राउंड के किसी पॉइंट से एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री है। आफ्टर ए फ्लाइट ऑफ 30 सेकेंड, मतलब ये थोड़ा सा आगे गया है, क्यों, क्योंकि 30 सेकेंड की उड़ान बढ़ चुका है। आफ्टर
30 सेकेंड्स, ध्यान दीजिएगा 30 सेकेंड्स के बाद, तो 30 सेकेंड के बाद तो आपका हेलीकॉप्टर तो आपका जो है एरोप्लेन जो भी है वो आपका तो आगे चलता ही जाएगा, जाहिर सी बात है बिल्कुल चलेगा। तो अब उसी पॉइंट से, ग्राउंड के उसी पॉइंट से उसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन हो जा रहा है वो 30 डिग्री हो जा रहा है, घटेगा बिल्कुल घटेगा, क्योंकि आप देखिए एरोप्लेन आपका आगे जा रहा है तो एंगल आपका हम लोग का घटेगा, पहले 60 डिग्री था 30 डिग्री हो गया। अब कह रहा है कि ये एरोप्लेन जो है एक कांस्टेंट हाइट पर उड़ रहा है, वो कांस्टेंट हाइट कौन सी है आपका, उस हाइट को हम मान लेते हैं, इस पॉइंट को हमने पी माना है, इसको क्यू मान लेते हैं, ये आर मान लेते हैं और इसको हम एस मान लेते हैं। चलिए तो ये कांस्टेंट हाइट जो है उसकी वो 3000√3 मीटर आपको पहले से गिवेन है। अच्छा वो हाइट है तो ये भी हाइट है, कन्फर्म है, और कांस्टेंट हाइट बोल चुका है आपको, तो इसका मतलब आप क्लियर हो गया होगा, इस पॉइंट को टी मान ले रहे हैं, तो वो अगर 3000√3 है तो ये भी 3000√3 ही होगा, एकदम क्लियर। क्यों? क्योंकि कांस्टेंट हाइट पे उड़ रहा है और आपसे कह के आ रहा है कि आप एरोप्लेन की स्पीड निकालिए। अच्छा बचपन से हम लोग पढ़ते चले आ रहे हैं स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, सही है। अच्छा यहाँ से आर से एस की तरफ जब एरोप्लेन गया है तो आर से एस जाने में उसको 30 सेकेंड लगे हैं, इसका मतलब टाइम तो पता ही है यार, टाइम हमारे पास पता है 30 सेकेंड, ठीक। स्पीड हमको निकालनी है, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, इसका मतलब ये पता है डिस्टेंस पता नहीं है, और डिस्टेंस कौन सी है ज़रा बताइए, इस 30 सेकेंड में वो डिस्टेंस जो कवर किया है वो आर एस कवर किया है, क्लियर है यार, एकदम ईजी, बहुत ईजी सिंपल, देखो एकदम यार कोई दिक्कत नहीं। स्पीड डिस्टेंस अपॉन टाइम है, टाइम आपको पता है 30 सेकेंड है, उसी 30 सेकेंड के ड्यूरेशन में उसने आर एस डिस्टेंस को कवर किया, यानी आर एस डिस्टेंस अगर हमको पता चल जाए तो सारा काम हो जाएगा। और पता चल गया यार, देख दो राइट एंगल ट्रायंगल तेरे को दिखाई दे रहे हैं, इन ट्रायंगल हम आर क्यू पी आ जाते हैं, आर क्यू पी राइट एंगल ट्रायंगल तेरे को दिखाई दे रहा होगा, इसमें अगर हम लोग टेन 60 डिग्री अप्लाई करते हैं, टेन 60 डिग्री, तो तेरे को मालूम होगा पी बाई बी होता है, ये डिस्टेंस हमको पता नहीं है, इसको हम एक्स मान लेते हैं। चलिए टेन 60 डिग्री पी बाई बी, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर आपका जो है आर क्यू है और नीचे जो है आपका ये पी क्यू है, टेन 60 की वैल्यू रूट थ्री होती है, आर क्यू आपका 3000√3 बता रहा है और नीचे एक्स है, रूट थ्री कैंसिल हो गया, यानी एक्स की वैल्यू 3000 मीटर हो गई, एक्स आ गया, तो एक्स का क्या काम है, चलिए देख लेते हैं एक्स का क्या काम है, अभी आपको पता चल जाएगा। चलिए इसको हम इक्वेशन वन कर लेते हैं, इन ट्रायंगल, अब हम लोग आ जाते हैं एस टी पी में, देखिए पहले हमने इस ट्रायंगल को लिया था आर क्यू पी, अब हम एस टी पी में आ जाते हैं, इन ट्रायंगल एस टी पी, फिर हम लोग टेन 30 डिग्री अप्लाई कर रहे हैं, टेन 30 डिग्री इक्वल टू आपका फिर से पी बाई बी हो गया, तो आपका एस टी अपॉन पूरा पी टी हो जा रहा है, पी टी, अच्छा ये वाला पी टी पूरा हो जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। इस पार्ट को अगर हम लोग वाई लेट कर ले, यही देखिए वाई आपकी आर एस डिस्टेंस है, ध्यान दीजिएगा, तो आपका हमारा जो है ये पी टी हो गया नीचे, सॉरी एस टी अपॉन पी टी, टेन 30 की वैल्यू 1/√3 है, एस टी आपका फिर से वही हो गया 3000√3, सेम हाइट पे उड़ रहा था, और इधर से आपका एक्स प्लस वाई हो गया, सही है, एकदम क्लियर है। क्रॉस मल्टीप्लाई अगर हम करते हैं तो एक्स प्लस वाई हमारे पास 3000√3 यानी 9000 मीटर हो गया। अच्छा ये पूरा जो है हमारे पास इक्वेशन टू आ गया, एक्स प्लस वाई पूरे की डिस्टेंस हमारी आ गई 9000 और एक्स की वैल्यू है 3000, तो वाई निकल चुका है। कैसे निकला है वाई, सिंपली यार बहुत सिंपल है, देख बहुत सिंपल कैसे है, देख यहाँ पर सिंस नाउ वाई कैन बी 9000 माइनस 3000, कहाँ से आया, एक्स आपका 3000 है यहाँ पे रख दिया हमने, ट्रांसपोज कर दिया, तो वाई की वैल्यू हमारी 6000 आ गई है। अच्छा जो ये वाई 6000 मीटर आई है स्टूडेंट्स, यही तो आपका आर एस है, वेरी गुड, आर एस आपका 6000 मीटर आ गया। देखिए डिस्टेंस आपको पता चल गई, अब डिस्टेंस अगर आपको पता चल चुकी है तो स्पीड आप आराम से निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये हमने पहले ही आपको बताया था। देखिए 6000 अपॉन टाइम कितना है आपके पास, टाइम आपका 30 सेकेंड है, तो यहाँ से हमने कैंसिल कर दिया, दैट इज इक्वल टू 200 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से वो दौड़ रहा है, चल रहा है 200 मीटर पर सेकेंड, अब आपके सामने आ गया एकदम ईजिली, क्वेश्चन सॉल्व हो गया मीटर पर सेकेंड, कभी कभी ये किलोमीटर पर आवर में भी आंसर्स दिए रहते हैं,
तो किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करने के लिए आपको पता होगा कि 18/5 का अगर मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो हम लोगों का ये आगे चल के किलोमीटर पर आवर में भी आ जाता है। ये मीटर पर सेकंड में भी आपका आंसर स्टूडेंट सही है, लेकिन अगर कभी बाय चांस अगर वो किलोमीटर पर आवर में पूछता है तो 200 × 18/5 5 × 4 = 20 ये 720 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आपका जहाज उड़ रहा है। तो ये आपकी स्पीड आ गई, वेरी इजी। बस ये दो क्वेश्चंस आज मैंने को कराने थे स्टूडेंट्स। अगर आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो इसको खूब शेयर करिए, खूब शेयर करिए। बोर्ड एग्ज़ाम्स नियर हैं, सब ज़रूरतमंद लोगों को पहुंच जाए, और अपने फ्रेंड्स को तो ज़रूर शेयर करिए, जितने ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कर सकते हैं, क्योंकि आपका शेयर ही हमारे लिए काफ़ी वैल्यूबल रहेगा। क्योंकि उन लोगों को पता चले जो लोग नहीं पढ़ते हैं, जो हमसे टच में नहीं है, तो उनको पता चले कि कैसा वीडियो हमारे पास है। थैंक यू सो मच।